हेलो गाइस, स्वागत है आपका काजल के किचन में। तो मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं काजल की किचन। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि आज मैं अपने किचन में सोयाबीन की चाप बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि सोयाबीन की चाप जो है वो कैसे बनानी है। आजकल बड़े और बच्चे सोयाबीन को खाना पसंद नहीं कर रहे हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो इसलिए हम इसको एक यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो इसकी हमने स्टिक निकाल के इसको रख लिया है, फ्रिज में है तो गर्म पानी में डाल के इसको रख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है और मैंने कढ़ाई के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और मैंने इसके अंदर फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया है। तो जब तक तेल हमारा गर्म होगा तो हम सोयाबीन को कट करके रख लेते हैं। तो हम सारे सोयाबीन जो है कट करके रख लेंगे और इसको जो है डीप फ्राई करेंगे जैसे हम पकौड़े तलते हैं। तो गैस की फ्लेम को हाई करेंगे तेल को गर्म करने के लिए, और एक एक करके जो है हमको डालनी है सोयाबीन की, जो हमने कट करके रखी हुई है वो हम सारे इसमें डाल देंगे। और जैसे हम पकोड़े तलते ना वैसे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इसको फ्राई करना है। तो जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि वो भी मेरी ऐसी इतनी अच्छी जो है डिशें खा के कम मसालों में वो भी इसका स्वाद ले सके। तो देखिए हमारी जो सोयाबीन है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो देखिए गोल्डन ब्राउन ये हो गई है, तो मैं इसको अब एक बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर लूँगी यहाँ से। तो ऐसे ही हमको सारी जो सोयाबीन है ना सारी फ्राई कर देनी है। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, इस कलर तक हमको जो है इसको फ्राई होने तक करना है। देखिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बोल बोल के मांगेंगे। तो ऐसे ही हमको सेकंड बार भी सारी सोयाबीन जो है हमको फ्राई कर लेनी है। ये सोयाबीन इतनी अच्छी बनती है ना कि दूसरे के घर तक इसकी महक इतनी अच्छी जाती है, वो भी पूछते हैं कि आज क्या बन रहा है आपकी रसोई में। तो इसको जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि जो हमारी सब्जी का कलर है वो भी एक अच्छा सा आ सके और स्वाद इसका आ सके। तो इसको गोल्डन ब्राउन तक करना है। तो मैंने सारी जो देखिए करके रख लिया है, और मैंने एक कटोरी में जो है वो स्लाइस करके जो ऑनियन रखी हुई है एक, तो इसको भी हम फ्राई करेंगे। हल्का सा सौते करना है इसको, प्याज को हल्का सा सौते होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। इसका भी एक यूनिक सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। आप मेरी वीडियो स्किप किए बिना देखना, तभी इसका एक सीक्रेट पता लगेगा जो मैं इसको बनाने के लिए बताने वाली हूँ आपको, कि सोयाबीन नए तरीके से कैसी बनाई जाती है। तो आप देख रहे होंगे ये प्याज ऐसे फ्राई कर रहे हैं, तो हमको ऐसे फ्राई करना है। थोड़ा सा देखो सॉफ्ट हो गए हैं प्याज, तो इसको हमें निकाल के जो है सोयाबीन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये मैंने आधी कर ली है और आधी अब दोबारा कर लूँगी कढ़ाई से निकाल कर। कितना प्यारा कलर लग रहा है, कितनी यूनिक सी लग रही है ना, जितनी यूनिक ये दिखने में इस टाइम लग रही है तो सोचो बनने के बाद कितनी यूनिक लगेगी। तो इसको हमें अच्छे से कोट करना है, ये गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कोट करेंगे। तो आप भी रेस्ट कर लीजिए और इसको भी थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट बाद देखिए मैंने इसके अंदर डाली है 1/2 टेबल स्पून मिर्ची, और 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसके अंदर नमक, और स्वाद के अनुसार ही मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी पाउडर हमें थोड़ा सा कम ही रखना है, जितना हमें अच्छा सा कलर आ सके वो रखेंगे। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है इसके अंदर 1 चम्मच। तो 1 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, और ये मैंने 3 चम्मच जो है वो दही के फैट के अच्छे से रखे हुए हैं, इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। तो ऐसा आप ध्यान रखना कि दही के अंदर कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो इसको हाथों की सहायता से जो है इसको मिलाएंगे, और 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच जो है वो गर्म मसाला ऐड किया है। अब हम इसको काला नमक हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी ब्लैक
पेपर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा कर दिया है। अब इसको हाथों की सहायता से जो है मिक्स करना है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रही है ना, कितने अच्छे से इसको कोट करना है ताकि सब चीज़ का फ्लेवर जो है वो सोयाबीन के अंदर आ सके। ये देखिए जो हमने इसके अंदर प्याज डाली थी वो भी कोट हो रही है और हमारी सोयाबीन जो है वो कितने अच्छे से कोट हो गई है। तो देखिए ये हमने सारी कोट करके रख ली है। अब इसको हमको रेस्ट करने के लिए हाफ एन आवर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी चलेगा। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, जब तक जाके आप भी रेस्ट करिए, मैं भी रेस्ट करती हूँ और थोड़ी देर बाद हम दोबारा किचन में आते हैं। बहुत गर्मी है तो हम बाद में थोड़ी देर में किचन में मिलते हैं दोनों। बाय बाय। तो देखिए हमारी सोयाबीन कितने अच्छे से कोट हो गई है। मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो कितने अच्छे से ये मसाले एक दूसरे के अंदर चले गए हैं। देखिए सोयाबीन के अंदर तक जो है वो सारे मसाले जो थे हमने कोट करने के लिए रखे थे वो अच्छे से कोट हो गए हैं इसके अंदर। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसको बनाने के लिए हमको चाहिए होगा, ये थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून, 2 चुटकी मैंने हींग ली है, लहसुन अदरक का जो मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच, और एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 2 मैंने प्याज फाइन चॉप करके रखी हुई है। स्वाद के अनुसार लेंगे नमक, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मीट का मसाला हो तो मीट का मसाला ले लीजिए आप, या फिर सोया चाप मसाला लीजिए। तो ये हम लेंगे, और ये हमने 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी लिए, स्वाद के अनुसार मिर्ची ली है। और अगर आपके पास जो है कुछ भी मसाले ना हो, अगर मैगी का मसाला हो तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जो आपका मर्जी हो आप वो उसके अंदर यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए हमने जो है एक पैन रख दिया है गैस के ऊपर, तो मैंने इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है ये वाली तेल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे जीरा और हींग। देखिए थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, फिर इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे प्याज, अभी हम इसको सौते कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से कलर इसका आ रहा है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप मेरी देख सको। देखिए जीरे का कलर जो है वो चेंज हो गया, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज। प्याज को अच्छे से जो है वो ब्राउन करना है, यही इस डिश की यूनिक बात है। बहुत अच्छे से जो इसको है वो डार्क ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। जो मैं बातें बोल रही हूँ उस चीज़ को गौर से सुनना है और फिर जाके अप्लाई करना है हर चीज़ के लिए। तो देखिए इसको अच्छे से सौते करनी है, प्याज को डार्क ब्राउन तक करना है। भाई देखो गर्मी का मौसम है, खाने का मन करता नहीं है, बट अगर खाना स्वाद मिलेगा तो हर किसी का मन करता है कि फटाफट से खाना खा ही लेते हैं। अब हम अगर खाना भी स्वाद ना हो तो मन भी नहीं करता। तो देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन दोनों को अच्छे से जो है सौते करना है, पकाना है, जब तक इसकी जो कच्चेपन की महक है वो ख़त्म ना हो जाए। देखिए कितने अच्छे से पक के रेडी हो चुका है, इसका कलर देख रही हो ना आप। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर जो मैंने रफली चॉप किए हुए थे। तो टमाटर मैंने इसलिए इतना रफ काटा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही स्मूथ सा हो जाएगा ये टमाटर, और थोड़ा सा मोटा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो जैसे मैं टमाटर डालती हूँ आपको तो पता ही है, फिर मैं सारे मसाले ये ऐड कर देती हूँ। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको सारे को एक दूसरे के साथ चलाना है, मिलाना है अच्छे से, और पानी ऐड करना है। पानी डाल के देखिए टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसकी लिड को हटा के देखते हैं। वाओ कितने अच्छे से जो है हमारा मसाला पक के रेडी हो गया। देखिए जो थोड़े इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने कोट करके सोयाबीन की चाप रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको जब तक ऐड करना है, मतलब कि इसको जब तक इस मसाले में भूनना है जब तक सारा फ्लेवर जो है मसालों का हमारे सोयाबीन चाप के अंदर आ नहीं जाता।
तो इसको अच्छे से हमें मिलाना है और मध्य गैस पे इसको पकने देना है। तो इसका जो ये सारा मसाला है ना, हल्का सा इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि मसाला बहुत कीमती है, तो इसके अंदर हमें डाल देना है। तो हमारा मसाला देखो अच्छे से भुन जाएगा, ये हल्का सा इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे, हल्का सा इसको पानी ऐड करके हिलाना है, हल्के हाथों से हिलाना है क्योंकि हमने जो है वो फ्राई की हुई है ताकि वो टूट ना जाए। सोयाबीन जो है एक एक पीस दिखना चाहिए ना सब्जी के अंदर, तो हम इसको अब ढक के 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे कम आँच पे। तो 5 मिनट हो गई है, तो खोल के हम देखते हैं इसका क्या हाल है। देखिए कितने अच्छे से पक के रेडी हो गई है, कितना अच्छा जो है वो सब्जी का कलर आ गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और हमारे जो सारे सोयाबीन के और मसाले का तेल था वो भी सारा अलग हो गया है। देखिए ये देखो, और ये पक के रेडी हो चुकी है, मैंने एक तोड़ के दिखाया ना आपको, तो ये पक के जो है हमारी बन गई है थोड़ी लुटपुटी सी। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और आपको ये मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो एक बार जैसे मैंने बनाई है एक बार आप भी ट्राई करिएगा। ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छी ये बन के तैयार हुई है। जब आप इसको एक बार बना के देखेंगे ना तो आपको खुद पता लगेगा, ये बिल्कुल मीट की तरह जो इसे कीमा लगता है ना वैसे ही लगेगा, बहुत टेस्टी लगता है। जो लोग मीट नहीं खाते ना तो ये उनके लिए डिश है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।